प्राइवेट हॉस्पिटल में अगर किसी की मृत्यु हो जाए तो सरकार उसका बिल माफ करे। तो ये हम जब बात कर रहे थे तो इस पर कई लोगों ने सवाल किए, कई लोगों ने बात की, कई लोगों ने बहुत सारी चीज़ें बोली। तो हम संसद में जाएंगे तो इसको हम पारित करेंगे। इसमें भी आप लोगों के सुझाव आमंत्रित हैं, जो लोग भी आप देख रहे हैं ना। तो ये देखिए, ये हमारे पास एक ड्राफ्ट है, अभी इसका एक ड्राफ्ट है। जो लोग भी थोड़े पढ़े लिखे हैं या थोड़ा इस विषय में जानते हैं या डॉक्टर हैं या नमस्कार सभी साथियों को नमस्कार। अच्छा, बहुत सारी बातें हम करते रहते हैं लगातार, मुद्दों की बात करते रहते हैं। हम पेंशन की बात की, हमने ईपीएस पेंशनर्स के लिए लड़ाई लड़ी, हमने चुनाव लड़ा, लेकिन चुनाव में उसमें हमारे साथ बहुत सारे मुद्दे थे, बहुत सारी चीज़ें थी। तो आज मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। असल में ईपीएस 95 का मुद्दा आप सबको पता ही है कि किस तरह से उनके साथ अन्याय हो रहा है। पेंशन की बात हो रही है, पेंशन बढ़नी चाहिए, किस तरह उनका कंट्रीब्यूशन गया और उनको ये सब जवाब दिखाया गया कि आपको सरकारी लोगों की तरह पेंशन मिलेगी, लेकिन जब देने की बारी आई तो उनके साथ किस तरह का अत्याचार हुआ। लेकिन और भी बहुत सारे मुद्दे थे हमारे पास, ड्राइवरों के मुद्दे थे, हमारे पास पूर्व सैनिकों के मुद्दे थे, हमारे पास एक शिक्षा बिल था जिसमें हम 12 तक एजुकेशन कह रहे थे कि 12 तक की एजुकेशन फ्री हो। उसके साथ साथ हमारे पास एक मुद्दा और था जिसके बारे में आज मैं थोड़ा सा बताऊंगा आपको, क्योंकि इतना शायद हमारी उस मुद्दे पर बात ना हुई हो। दो तीन मुद्दे थे तो उसमें एक प्रमुख मुद्दा था लूट मुक्त मृत्यु बिल। हम ये कह रहे थे कि प्राइवेट हॉस्पिटल में अगर किसी की मृत्यु हो जाए तो सरकार उसका बिल माफ करे। तो ये हम जब बात कर रहे थे तो इस पर कई लोगों ने सवाल किए, कई लोगों ने बात की, कई लोगों ने बहुत सारी चीज़ें बोली। तो हम उसी पे आज मैं थोड़ा सा स्पष्टीकरण दूंगा कि भाई ये मुद्दा था क्या और ये क्यों पैदा हुआ, क्यों उपजा। ये एक फिल्म आई है गब्बर, जिसमें देखा गया कि किस तरीके से डेड बॉडी को रख लिया जाता है और उस पर बिल बनाते हैं, बिल पर प्राइवेट हॉस्पिटल बिल बनाता है वेंटिलेटर पे डाल के, और फिर उस बिल का भुगतान उसके, एक तो व्यक्ति मर गया उस पर बिल का भी भुगतान किया तो वो परिवार को भी तोड़ के रख देता है। तो ऐसी ये घटनाएं आम नहीं है, ये घटनाएं बहुत हो रही हैं कि व्यक्ति मर जाता है उसके बाद वेंटिलेटर पर डाल के बिल बनाया जाता है मोटा मोटा, और दूसरा मरते मरते भी गिद्ध की तरह नोच के खाने की कोशिश होती है। लेकिन अब ये बात, बहुत सारी बातें ये हमारी लगातार हो रही हैं, लेकिन अब मैं आपसे एक बात और कहना चाहूँगा कि लोग कह रहे हैं कि भाई इसके बाद अगर आपका ये बिल आ जाएगा, लूट मुक्त मृत्यु बिल आ जाएगा, तो लोग तो प्राइवेट हॉस्पिटल में अगर कोई सीरियस मरीज होगा उसको लेंगे ही नहीं। तो मैंने, हमारे बिल में ये नहीं था कि प्राइवेट हॉस्पिटल उसका बिल माफ़ करेगा। हमारे अंदर ये था, हमारे जो हम जो कानून बनाने की कोशिश कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि सरकार उसका पैसा देगी। जैसे किसी, कोई व्यक्ति अगर प्राइवेट हॉस्पिटल में मर जाता है या कोई मृत्यु हो जाती है किसी व्यक्ति की, तो क्या होता है कि वो जब अगर उसकी मृत्यु हो जाएगी तो जो उसका बिल बनेगा लास्ट एक महीने का या जो भी सरकार असेसमेंट करेगी, वो सरकार जैसे इंश्योरेंस कंपनी पे करती है ना, उसी तरह से सरकार पे करेगी उस बिल को। और सरकार कैसे पे करेगी? सरकार पे करने के लिए हमने आजकल कॉरपोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी की बात होती है, जिसमें क्या करते हैं कि CSR में फंड दिया जाता है सरकार की, इस मतलब समाज सेवा के लिए फंड होता है, बड़ी बड़ी कंपनियां फंड देती हैं और ये हॉस्पिटल बड़े बड़े नामी ग्रामी कंपनियों के हॉस्पिटल होते हैं, तो वो CSR है उसमें हेल्थ जोड़ के इन्हीं हॉस्पिटल से फंड लिया जाएगा और वो सरकार के पास रहेगा और उसके फंड से सरकार उन परिवारों को राहत देगी जिनका कोई व्यक्ति की मृत्यु हो जाए। तो ये इस तरह का एक कानून बनाने की कोशिश कर रहे थे हम। इसमें क्या था कि भाई प्राइवेट हॉस्पिटल को भी ये नहीं लगेगा कि उसने इलाज किया, उसका खर्चा हुआ और व्यक्ति चला गया और उसके बाद उसको उसको पैसा देना पड़ा, उसको 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 वो पूरी तरह से नष्ट हो गया, वो उसको भी ऐसा नहीं फर्क पड़ेगा। दूसरी बात ये है कि उसके साथ साथ जो सरकार है उस पर भी बोझ नहीं पड़ेगा कि भाई उसको बजट में से कुछ निकालना है। इसके लिए एक अलग से फंड की व्यवस्था थी जिसमें से कुछ हिस्सा सरकार डालती और बाकी हिस्सा कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी के जरिए आता। अभी कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी में हेल्थ सब्जेक्ट नहीं है, तो हेल्थ वाला सब्जेक्ट भी अगर उसमें इंक्लूड कर दिया जाए तो कंपनियों से, जो बड़ी बड़ी फॉर्चून कंपनियां हैं जिनका 500 करोड़ से ज़्यादा टर्नओवर है, उनसे जो टैक्स हेल्थ के सेक्टर में जो देना चाहें वो सरकार कोष बना के उसमें हेल्थ के सेक्टर में दे और वहां से। तो इस तरह का हमने कानून बनाया था जो काफ़ी तर्कसंगत था।
इसमें क्या था कि कम से कम कोई व्यक्ति अगर किसी के परिवार पे डबल आफत नहीं आएगी, एक तो व्यक्ति चला गया ऊपर से अस्पताल का उल्टा सीधा बिल आ गया। मैंने कई ऐसे केस देखे हैं जहाँ पे सब देने से भी मना कर दिया गया और लगातार परिवार वाले परेशान रहे, और ऐसा दिल्ली में कई बार केस हुए। तो इसलिए हमने एक बड़ा रिसर्च करने के बाद लूट मुक्त मृत्यु बिल हमने पेश किया और हमने कोशिश की कि इसको हम अगर संसद में जाएंगे तो इसको हम पारित करेंगे। इसमें भी आप लोगों के सुझाव आमंत्रित हैं, जो लोग भी आप देख रहे हैं ना, तो ये देखिए ये हमारे पास एक ड्राफ्ट है, अभी इसका एक ड्राफ्ट है। जो लोग भी थोड़े पढ़े लिखे हैं या थोड़ा इस विषय में जानते हैं या डॉक्टर हैं या कोई है, तो हम चाहते हैं कि इस ड्राफ्ट में और संशोधन हो जाए, और इस ड्राफ्ट के अंदर फंड कैसे आए, पैसा कैसे आए, और किस तरीके से उन लोगों की मदद हो जिनके परिवार में आपदा आए। तो लूट मुक्त मृत्यु बिल ये था। मैं चाहता हूं कि मैं अपने सारे सब्जेक्ट्स की गहराई को आपसे रूबरू कराऊं। हमने कोई सब्जेक्ट चुनाव में लिया तो वो क्यों लिया, बड़ा ही उसका मानवीय पक्ष है, बहुत ही उसका कहते हैं ना कि बहुत संजीदा पक्ष है, और हम चाहते हैं कि समाज के अंदर कुछ अच्छा हो और जो कष्ट में लोग हैं उनका कष्ट कम किया जा सके। पेंशन उसमें एक मुद्दा था, पेंशन ईपीएस पे भी मैंने बहुत सारी वीडियो बनाई, लेकिन लूट मुक्त मृत्यु बिल पर ये शायद डिटेलिंग में मेरी पहली वीडियो है। इसमें हम ये कह रहे थे कि प्राइवेट हॉस्पिटल में किसी की मौत हो जाए तो कॉरपोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी की तरीके से सरकार एक फंड का निर्माण करे, एक फंड हो जो उन्हीं लोगों को दिया जाए, उनके परिवार को बिल भरने में के काम में आए जिनके परिवार में किसी शख्स की मृत्यु हो जाए प्राइवेट हॉस्पिटल में, उसका जो एक महीने का लास्ट बिल है वो सरकार के जरिए CSR के जरिए प्राइवेट हॉस्पिटल को भुगतान किया जाए, और सरकार उसकी मॉनिटरिंग करे कि भाई उल्टा सीधा बिल ना बनाया जाए। अगर सरकार पैसे देगी ना तो वो उसमें भी डॉक्टरों के पैनल होंगे, तो वो प्राइवेट हॉस्पिटल भी उल्टा सीधा बिल नहीं बनाएगा, पैसा भी सही तरीके से जाएगा, और जिसका व्यक्ति चला गया उस परिवार को बहुत कम से कम ये तो राहत मिलेगी, आर्थिक रूप से राहत मिलेगी। तो ऐसा कुछ हम एक कानून बनाना चाह रहे थे और इसीलिए हमने लूट मुक्त मृत्यु बिल अपने में शामिल किया। और भी बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, आज मैंने लूट मुक्त मृत्यु बिल पे बात की है जिससे आप लोगों को पता चला कि भाई चुनाव, देखिए चुनाव प्रचार में तो सब बात करते हैं, चुनाव प्रचार में तो मोटी मोटी बात बताई जाती है कि हमने तो ये कहा कि प्राइवेट हॉस्पिटल में किसी की मृत्यु हो जाए तो सरकार उसका बिल माफ करे, लेकिन उसकी जो डिटेलिंग है वो मैंने आपसे डिस्कस की। और मैं चाहता हूं कि इस सब्जेक्ट पर भी अगर आपके पास कुछ और राय हो, कोई ओपिनियन हो, इसको और कैसे बेहतर किया जाए, क्योंकि ये सच्चाई है कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स में बहुत लोगों की मृत्यु हो रही है और बिल बहुत मोटे मोटे आ रहे हैं, तो कैसे उस परिवार को राहत मिले, ये हम और आपका हम और आपके जो आसपास जो घट रहा है उसको सही करना और उसके लिए जनता को राहत दिलाने की बात हो रही है। ऐसे और भी मुद्दे हैं जैसे 26 जनवरी बिल वाला मुद्दा है, तो मैं वो किसी और वीडियो में आपसे एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा आपको पता लगेगा कि कैसे व्यवस्थाएँ चेंज होंगी, कैसे ये पॉलिटिकल सिस्टम है, इसमें खराब आदमी आगे बढ़ता है, अच्छे आदमी को मौका ही नहीं मिल पाता और सब चमचे चेले चपाटे ही आगे बढ़ते हैं, और जो धनबली बाहुबली, पैसे से सत्ता, सत्ता से पैसा, इन सब सवालों के जवाब हैं, लेकिन वो पॉलिटिकल रिफॉर्म की बात है। तो हमने वो भी मुद्दा उठाया था, वो भी हमने ज़्यादा डिटेल में आपसे बात नहीं की। हमने ज़्यादा डिटेल में बात की सिर्फ बुजुर्गों की पेंशन के बारे में, उनकी पेंशन बढ़ाने के बारे में, और EPS की पेंशन बढ़ाने के बारे में। तो और भी मुद्दे हैं, ड्राइवरों के मुद्दे हैं और अन्य मुद्दे हैं, इन पर भी हम बात करेंगे, इन पर भी आपसे जुड़ेंगे, इस पर भी हम आपको। और अब मैं जो वीडियो बना रहा हूँ उसमें लगातार मैं ये कह रहा हूँ कि भाई थोड़े से मुद्दे आपको डिटेल में बताए जाएं, और बात करूँ तो मैं जो कोई भी बात करूँ तो वो फ्रूटफुल हो, उससे कुछ ना कुछ आपको, आपकी बेहतरी हो, आपको समझ बढ़े और मेरी और आपकी जो वो तालमेल है वो आगे बढ़े। इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप अपना कमेंट के जरिए कुछ इस विषय पर कहना चाहते हैं, लूट मुक्त मृत्यु बिल पर, क्योंकि ये ड्राफ्ट है, इसको और बेहतर किया जा सकता है, लेकिन ये बात तो ठीक है कि प्राइवेट हॉस्पिटल में अगर किसी की मृत्यु हो जाए तो सरकारी तरीके से उसका बिल माफ किया जाना चाहिए, फंड बनाकर किया जाना चाहिए। इसमें आपकी राय भी आमंत्रित है, आप राय दीजिए और हम उस पर और सुधार करेंगे, और अगर मैं जीता तो मैं प्राइवेट मेंबर बिल के माध्यम से इसको भी रखूँगा संसद में, जैसे EPS का मुद्दा रखूँगा वैसे इसको भी रखूँगा, और कोशिश करूँगा कि इस पर भी कोई कानून बने जिससे जनता को राहत मिले। आपको वीडियो कैसी लगी, आपको विषय कैसा लगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा हो और आप इस पर अपनी राय देना चाहते हैं तो कमेंट में बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, देखते रहिए